चले मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लास्ट राउंड पे आपके स्टार्टअप किया था रिवीजन के लिए, और फर्स्ट लेक्चर का आपका वीडियो भी डाल दिया है ना। और फर्स्ट लेक्चर का जो वीडियो डाल दिया उसके बाद चले जाएंगे तो कहाँ तक हम लोगों ने किया हुआ था, जनरली आपके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे कि अगर कॉइल्स के बीच में आपका मोशन हो रहा है, कॉइल्स आर मूविंग अवे और कॉइल्स आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, तो दोनों केसेस में आपके ईएमआईस की कंडीशन क्या होगी, जो आपकी करंट इंड्यूस हो रही है वो कहाँ से कहाँ होगी। तो जो लोग नहीं देख पाए वो एक बार इस चीज़ को देखते हुए चले जाना। ठीक, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल करा दिए थे, इसके बाद जिस हम चीज़ पर जाएंगे वो आपका था डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट के लिए दो चीज़ें आती हैं। नंबर वन, जब हम पिछली बार कर रहे थे सर्कुलर लूप्स वगैरह में, सर आवाज़ नहीं आ रही है। किसको आवाज़ नहीं आ रही? आई तो सबको आ रही थी बड़ा, किसी को आवाज नहीं आ रही और तो मुझे बताए। नहीं सर आ रही है। हाँ। सर आ रही है। इसलिए लगा अपना थोड़ा माइक चेक कर ले या वॉल्यूम। नेक्स्ट में लगा, इसके बाद जो है जो लूप्स के मोशन और उस पर आप जा रहे थे, जो दो चीजों का सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन था या फ्लक्स चेंज था, उसमें आपने फिनोमेना लिया था लेंज लॉ। लेंज लॉ मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट विल बी सच दैट, कैसा होगा कि उसी कॉज को अपोज करेगा जिसकी वजह से डेवलप हुआ है। यानी अगर कोई चीज़ फ्लक्स बढ़ा रही है तो ये कम करेगा, कोई चीज़ कम कर रही है तो ये बढ़ाएगा। और इसके सात आठ एग्जाम पे वो हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। अब जाते हैं ना देखना, एक और रूल देखेंगे। ये रूल कब काम में आता है? जब आपका कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करता हुआ जा रहा होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई कंडक्टर कट करेगा तो दो चीज़ें आएंगी। नंबर वन, एक आपका आएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, दूसरा आपका आएगा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और तीसरी चीज़ आप पता लगाते हैं कि आखिरकार जो आपका इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ है उसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर ध्यान से देखें तो आपको याद आ जाएगा ईएमआई इज द जस्ट रिवर्सल प्रोसेस ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या था, करंट किसी आप कंडक्टर से करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, यानी इलेक्ट्रिक करंट से आप जा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ईएमआई में आप कहाँ जा रहे हैं? आप जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट की तरफ। इसीलिए अगर ध्यान से देखो तो वहाँ जो मोशन ऑफ कंडक्टर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड वाला लॉ था वो था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड। अब ध्यान देखना, फिनोमेना रिवर्स है तो बजाय हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ले लेते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये याद रखिएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में आता है। किस बात के लिए आता है? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे डायरेक्शन डिटरमाइन करने के काम में आता है। जबकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ काम में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम में आएगा फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। वो करंट की वजह से फोर्स देखता है या मोशन, और ये मोशन की वजह से करंट देखता है। ये दोनों में अंतर है, बाकी वही तीन आपकी फिंगर्स हैं। लॉ आपको मालूम ही है, स्ट्रेच द फिंगर्स सच दैट दीज बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फादर मदर और चाइल्ड। आपकी मिडिल फिंगर बताएगी करंट या चार्ज का डायरेक्शन इंड्यूस करंट का, मदर एम मैग्नेटिक फील्ड का, और ये आपको बताएगा फोर्स अप्लाइड ऑन कंडक्टर, या आप कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, क्योंकि जहाँ फोर्स लगाओगे वहीं आपका कंडक्टर मूव करता है। So let us see in a simple way. If the right hand is stretched such that the first finger, central finger and the thumb are mutually perpendicular to each other, ये सब आपके कैसे हो जाए mutually perpendicular, उस condition में आप देखेंगे क्या होगा, then the first finger points along with the direction of magnetic field. First finger आपकी कहाँ जाती है? हमेशा direction of magnetic field, and then इसके बाद आपका थंब कहाँ पॉइंट करता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर, या कहा जाए जो फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर है। एंड फाइनली देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर। तीसरी जो आपके लिए मिडिल फिंगर एफ एम सी, सी क्या दे देगी आपको? करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मोशन ऑफ कंडक्टर,
अगर आप देखेंगे ये आपको कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का, ये आपको डायरेक्शन बताता हुआ जाता है मोशन ऑफ कंडक्टर, एंड फाइनली इट इज द इंड्यूस्ड करंट। सो मेरा अंदाजा ये लॉ चूंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो इसलिए फुर्ती समझ में आता है, और आगे जाएंगे किसी को डाउट हो तो जरूर बीच में पूछ लेना। देन इसके बाद आपको मैं एक बार बता रहा था एडी करंट्स और फोको करंट्स। फोको करंट्स इसलिए क्योंकि इनका जो डिस्कवरर था दैट वाज फोको, सही है ना। एडी करंट्स आपकी कौन सी करंट थी ये याद है, एडी करंट्स का था अगर किसी भी कंडक्टर को आप रोटेट करेंगे, इफ अ कंडक्टर इज रोटेटेड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या फिर और इट इज प्लेस्ड इन अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर उसकी सुपरफिशियल सरफेस पे सर्कुलर करंट डेवलप होती है। हिंदी में इनका नाम आपसे दिया था, ये कहलाती थी भंवर धाराएं, क्योंकि आपसे कह रहे थे ये होती हैं पानी की भंवर जैसी गोल गोल चक्करदार, और इसी इन करंट्स को क्या कहा जाता है भंवर धाराएं, या मैंने कहा एडी करंट्स। आ जाए मैंने कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई कंडक्टर आप वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और इट इज़ रोटेटेड इन साइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, देन द करंट लाइक एडीज ऑफ वाटर आर इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर, द सर्कुलेटिंग करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट्स। यही सर्कुलेटिंग करंट, ये गोल गोल घूमती हुई करंट आपके लिए किस नाम से आ जाएंगी, दीज आर नोन एज द एडी करंट्स। क्या इतनी कहानी समझ में आती है। अब एक नेक्स्ट जाएंगे इन करंट्स के आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इस पर जब हम बढ़ते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर, तो एक नेक्स्ट चीज जानते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे। सबसे पहली बात जो आपका मेन था लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द सेम कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। आपकी एडी करंट डेवलप हुई है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कंडक्टर, इसी रोटेशन ऑफ कंडक्टर को अपोज करेंगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, और अगर उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगी तो पहली चीज जो नाम आता है वो नाम आता है आपका डैम्पिंग इफेक्ट। डैम्पिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है, अगर याद हो लास्ट ईयर हम लोग जो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस और ऐसी चीज़ें पढ़ते थे, ऑसिलेशंस कंटिन्यूस चल रहा है या धीरे 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 एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो डैम्प्ड का मतलब ये होगा स्लो डाउन होना। दूसरी चीज़ याद देखना, जब एक चलती हुई चीज़ को आप डैम्पिंग करेंगे, और डैम्पिंग तभी संभव है जब उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं कम की जाए, सो दिस एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट। तो पहला इफेक्ट जो आता है वो आता है डैम्पिंग इफेक्ट, और इस डैम्पिंग इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंस में फिर क्या चीज आती है, दूसरी चीज आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर। दोनों की वजह से आप देखना कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस है, और दूसरी खास बात अगर ज्यादा गर्म हो गया तो जैसे आप गैल्वेनोमीटर कॉइल पढ़ रहे थे वही असर फिर आ सकते हैं, कंडक्टर आपका बर्न हो सकता है। नेक्स्ट चले आए डिसएडवांटेज में, आपको ये नजर आएंगे क्या कह रहा है, द एडी करंट्स टेंड टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कोशिश करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज अपोज करने की कोशिश करेंगी द मोशन ऑफ कंडक्टर, दस दिस प्रोड्यूसर्स क्या प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोड्यूस कर रहा होता है डैम्पिंग इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट, दस अ लार्ज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारा पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, एंड इट मे ब्रेक द इंसुलेशन यूज इन द इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मशीन्स के इंसुलेशन मेल्ट हो सकते हैं, पिघल सकते हैं, टूट सकते हैं। फाइनली कैसे कम करेंगे, तो कम करने का तरीका आपको ट्रांसफॉर्मर और इन सब में बताया है। क्या कहा था, आप जो है किसी भी सॉलिड में जो कोर वगैरह होती हैं इनको आप एज ए सॉलिड इस्तेमाल नहीं करते, आप इनको इस्तेमाल करते हैं लेमिनेटेड फॉर्म में, लेयर्स फॉर्म में, और इसके लिए आप क्या काम करेंगे, पतली पतली पत्तियां आप सॉफ्ट आयरन की लेते हैं, और इन सॉफ्ट आयरन की पतली पतली पत्तियों को एक के ऊपर एक पेंट या हॉर्निश में डुबो के एडजस्ट करते जाए, गैपिंग हो जाएगी बीच में, इंसुलेटर यानी कि वार्निश की लेयर हो जाएगी, जब भी एडी करंट एक सिरे से दूसरे सिरे जाना चाहेगी तो बीच में क्या होगा, बीच में आपकी ये इंसुलेटिंग लेयर्स उसको कहीं ना कहीं रोक देगी। आज देखते हैं क्या आपसे कहता जाएगा, मिनिमाइजेशन, एडी करंट्स आर मिनिमाइज बाई मेकिंग द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर डायनेमो एटसेट्रा इन लेमिनेटेड फॉर्म।
For this, a number of thin soft iron sheets are dipped in paint or varnish and then stacked one over another. पेंट और वार्निश में डुबोएं और एक दूसरे ऊपर रख के आप उसको किस शेप में ले आए, सॉलिड शेप में ले आए. एज द वार्निश इज एन इंसुलेटर दस इट मिनिमाइजेस द फ्लो ऑफ एडी करेंट्स. अब सवाल आता है, ये आपके आने वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन, कई बार आने वाले क्वेश्चन में शामिल है. वॉट आर द एडी करेंट्स, वॉट आर देयर डिसएडवांटेजेस, हाउ दीज कैन बी मिनिमाइज. यहाँ तक तो आप दो दो लाइनें लिखते ही चले गए. एडी करेंट्स क्या है, क्या इल इफेक्ट्स हैं और कैसे आप उनको मिनिमाइज कर सकते हैं. नाउ वन मोर क्वेश्चन में भी देयर, और वो आपसे पूछता है इज देयर एनी एप्लीकेशन और एडवांटेज ऑफ एडी करेंट्स ऑल्सो और नॉट. सो ऑफ कोर्स देयर इज, देयर आर सम एप्लीकेशंस. पहला एप्लीकेशन सबसे पहला आपको बताते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर. अभी पिछले दिनों जब आपसे मैग्नेटिक इफेक्ट का रिविजन कर रहे थे, उस समय मैंने कहा था आप जो गैल्वेनोमीटर की क्वाइल बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर की क्वाइल में एक वर्ड आता है द क्वाइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज रैप्ड, इंसुलेटेड वायर इज रैप्ड ऑन एन एल्यूमिनियम फ्रेम. तो फिर क्वेश्चन आता है व्हाई द एल्यूमिनियम फ्रेम. सो द आंसर इज डेड बीट गैल्वेनोमीटर. उस एल्यूमिनियम फ्रेम में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगी. एडी करंट्स उसको डैम्पिंग इफेक्ट देंगी, यानी उसका मोशन झटकेदार या सडन नहीं होगा. द मोशन विल बिकम स्मूथ. इस तरह से उसके मोशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही होती हैं. इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, डेड बीट. बीट मारने वालों में एकदम से पल्स इसको डेड कर देता है. आ डेड बीट गैल्वेनोमीटर मींस वन हुज पॉइंटर कम्स टू रेस्ट इन द फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन इमीडिएटली विदाउट एनी ऑसिलेशन अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजिशन व्हेन ए करंट पास इन इट्स कॉइल. जब भी आप करंट पास करेंगे रुकते समय कैसा रुकेगा, ऐसा. चलिए नेक्स्ट इसके बाद जाएंगे क्या करेंगे. इसके लिए आप करते जाते हैं द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज मेड बाय रैपिंग ए कॉपर वायर ओवर एन एल्यूमिनियम फ्रेम. इसके लिए आप अपनी कॉइल को रैप करते हैं ओवर एन एल्यूमिनियम फ्रेम. जो मैं बात कर रहा था एल्यूमिनियम फ्रेम पे क्यों रैप करते हुए जा रहे हैं, इसका कारण अभी आपसे डिस्कस किया था. इसमें क्या होगा, आपकी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होंगी एडी करंट्स, और जब एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो आगे पढ़ते हुए आप जाए क्या बताएगा, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द क्वाइल देन बोथ द क्वाइल एंड फ्रेम रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड सो एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड. और इसका रिजल्ट क्या आएगा, एडी करंट्स कहीं ना कहीं इंड्यूस हो रही होंगी. जब एडी करंट्स इंड्यूस होंगी तो फिर अगले नंबर पर जाएंगे. सो एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक फ्रेम विच कॉज डैम्पिंग इफेक्ट एंड इट मेक्स द मोशन ऑफ क्वाइल स्मूथ एंड बीट्स फ्री. और ये जो आपका मोशन है, ये क्वाइल्स का जो आपका मोशन था उसको कैसा करेगा स्मूथ और बीट्स फ्री. मैं बात कर रहा था जब भी आप करंट पास करेंगे तो फिर क्या होता हो जाएगा, आपके दोनों क्वाइल और फ्रेम रोटेट करेंगे, यही आपसे डिस्कस कर रहा था. सो एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन द मेटलिक फ्रेम विच कॉजेज डैम्पिंग इफेक्ट एंड इट मेक्स द मोशन ऑफ द क्वाइल स्मूथ एंड बीट्स फ्री. आपका जो क्वाइल का मोशन है वो कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और सबसे खास बात ये हो जाएगा बीट्स फ्री. क्या ये कहानी से समझ में आती है, हाँ या ना बताएं. देन इसके बाद आपके आते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रेक्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अटैच्ड टू द एक्सल ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन. ये भी आपको बताया हुआ था, आपसे कहा था एक्सल के साथ आप क्या कर रहे होते हैं, एक कहीं ना कहीं ड्रम अटैच कर देते हैं. जब ड्रम अटैच करेंगे ड्रम भी साथ में घूमता हुआ जाएगा. जब ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करने होंगे, स्लो डाउन करना होगा, तो इससे अटैच्ड क्वाइल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो करेगा. जैसे ही इससे अटैच्ड क्वाइल्स में करंट, वीडियो नहीं आ रही है, किसी का नहीं आ रहा, नो सर. एक सेकंड ले लो आप. चलो नेक्स्ट सवाल आपसे करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के ब्रेक्स में आपका क्या होता है, वो होता हुआ जाएगा जो आपका ड्रम लगा हुआ है, इस ड्रम के आसपास आप देखेंगे
मैग्नेटिक सॉरी कॉइल्स लगी होंगी, करंट फ्लो की जाएगी, और जब करंट फ्लो होगी तो डेफिनेटली इसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से आपका ड्रम रोटेट कर रहा है, एडी करंट्स इंड्यूस होंगी, और एडी करंट जो इंड्यूस होंगी उनका फिर वही काम डैम्पिंग इफेक्ट अपोज करेंगी इस मोशन का, और क्या करती हो जाएगी जो भी आपका ड्रम रोटेट कर रहा है उसको कहीं ना कहीं स्लो डाउन करने की कोशिश करेंगी। और चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू द एक्सल ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द रेल इंड्यूसेस एडी करंट्स, या आपका कहीं ना कहीं एडी करंट्स करेगा, एडी करंट्स इन रेल्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इंक्रीज, जो आप करंट को इंक्रीज करेंगे द एडी करंट्स अपोजेस द ड्रैग फोर्स ऑन मूविंग ट्रेन, कहीं ना कहीं उस ट्रेन पर ड्रैगिंग ड्रैग समझ में आ रहा होगा, खींचने वाला फोर्स अप्लाई करेंगे और ट्रेन कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे सब इसी टाइप से, एक नेक्स्ट आता है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस बता दूं, आपके घर में इंडक्शन कुकर होता है उसी का एक बड़ा फॉर्म इंडक्शन फर्नेस हो जाएगी। क्या काम करोगे इंडक्शन फर्नेस में, कोई भी मेटलिक ब्लॉक है इसको आप सस्पेंड करते हैं ऐसी कॉइल्स के बीच जिनका कनेक्शन जुड़ा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट से, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं, अगला चैप्टर भी आप एसी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से मालूम है ऑल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलेगी तो इसका मतलब इन कॉइल्स से का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो भी इन कॉइल्स का मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड है वो भी आप देखेंगे जीरो टू मिनिमम, मिनिमम टू जीरो, और साथ में डायरेक्शनल दोनों जगह अपने आप बदलेगा। रिजल्ट क्या आएगा, ये आपकी जो कॉइल्स हैं दे आर प्रोड्यूसिंग अ हैवी स्ट्रॉन्ग एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप एक बीच में मैग्नेटिक ब्लॉक रखते हैं इस ब्लॉक में आपकी एडी करंट्स डेवलप होंगी, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स या करंट सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन प्रोड्यूस दैट मच हीट, आप इतनी ज़्यादा हीट डेवलप कर सकते हैं कि ये जो आपका ब्लॉक है धीरे धीरे गर्म होता हुआ पिघल जाए। और चेक करो क्या कहेगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होता है द मेटलिक ब्लॉक टू बी मेल्टेड, जिस ब्लॉक को आपको मेल्ट करना है क्या करेंगे उसको, इज प्लेस्ड इन ए हाई फ्रिक्वेंसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, एक हाई फ्रिक्वेंसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखें। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी उन्होंने बताई दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट से अटैच कर दो इनके बीचों बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड हाई फ्रिक्वेंसी, और दोनों का आपके काम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहेगा, एडी करंट्स आर इंड्यूस्ड इन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक में एडी करंट्स इंड्यूस होंगी एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत ग्रेटर अमाउंट प्रोड्यूस करेंगी जिसको आप मेल्ट कर सकते हैं इस ब्लॉक को। देन स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर आपकी खुद की गाड़ियों में होता है, ध्यान दिया, जैसे जैसे आपका व्हील रोटेट करेगा, जितनी तेजी से व्हील रोटेट करेगा उससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे हम प्रोड्यूस करते हैं एडी करंट्स, और एडी करंट के ऊपर अगर आपको याद हो गैल्वेनोमीटर का जब एग्जांपल दे रहे थे मैंने कहा था गैल्वेनोमीटर का एग्जांपल एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, और सिंपली आपकी गाड़ी में लगा हुआ स्पीडोमीटर होता है, जितनी करंट प्रोड्यूस होगी उसी के अकॉर्डिंग ये डिफ्लेक्शन देता हुआ चला जाता है, तो इस ढंग से स्पीड भी हम मेज़र कर सकते हैं। क्या बताएंगे, इन द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल, किसी भी ऑटोमोबाइल के स्पीडोमीटर में अ मैग्नेट इज गियर्ड टू द मेन शाफ्ट ऑफ द व्हीकल, शाफ्ट मानो समझ में आ रहा, शाफ्ट यानी वो रॉड जिससे आप चीज़ों को घुमाते हैं, जो उसकी शाफ्ट है जो रॉड है जो घूम रही है उसके साथ आप क्या चीज़ अटैच कर देंगे, ये समझ में आ रहा होगा, शाफ्ट जितनी तेजी से घूमेगी उतनी ही बेहतर करंट आएगी, और उतनी ही बेहतर करंट आपके स्पीडोमीटर में उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन देती चली जाएगी। व्हीकल द मैग्नेट इज माउंटेड इन एन एल्यूमिनियम सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ एयर स्प्रिंग्स, व्हेन द मैग्नेट रोटेट्स, जैसे मैग्नेट घूमेगा इट प्रोड्यूसेस एडी करंट्स इन द ड्रम एंड ड्रैग्स इट थ्रू एन एंगल, और इसे एक एंगल से घुमाने का कोशिश करता है जो आपका इंडिकेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं। देन आता है एक आपका डायथर्मी, डायथर्मी किस नाम से नहीं आती, डायथर्मी कहलाती है आपके लिए, जब ध्यान देखना एक चीज़ आती है सिंपली सिकाई, सिकाई का मतलब मोच आ जाए ऐसा कुछ हो जाए तो आप गर्म पानी में पैर डाल के बैठते हैं, इसके बजाय ध्यान से देखें अगर आपके टिश्यूज़ की कहीं सिकाई करनी हो हॉस्पिटल्स में
तो टिश्यूज के लिए जो सिकाई का आपका प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज द डायथर्मी, और इसके लिए भी आप किन का इस्तेमाल करते हैं, एडी करंट्स का। एक्चुअली आपकी बॉडी पे उस टिश्यू पर लोकलाइज्ड हैवी मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी कहीं ना कहीं उसमें ब्लड में आयंस प्रेजेंट होते हैं, कंडक्टर होते हैं, एडी करंट्स उस टिश्यू में डेवलप होंगी और डायरेक्ट उतना उतना टिश्यू आपका हीटअप होता चला जाता है। क्या बताएगा, एडी करंट्स हैव बीन यूज्ड फॉर डीप हीट ट्रीटमेंट। डीप हीट ट्रीटमेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा बॉडी में कहीं अंदर, और लोकलाइज्ड हीटिंग ऑफ टिश्यू, क्योंकि पूरी बॉडी में केवल एक टिश्यू को आपको करना है, पूरे हाथ को गर्म नहीं करना, केवल इतने पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड डायथर्मी। इस टाइप के आप जो है ट्रीटमेंट होंगे ना डायथर्मी कहते हुए जाएंगे। नेक्स्ट कुछ और यूज आएंगे, जैसे भी इंडक्शन फर्नेस बता रहा था पहले, इसको देख लें। सेम आपका आता है इंडक्शन कुकिंग। इंडक्शन कुकिंग आप जनरली हम सबके यहाँ इंडक्शन कुकर होंगे, जो बर्तन आप रखते हैं उसमें कौन सा रखते हैं आपको ध्यान जाएगा, मेटलिक, फॉर एग्जाम्पल स्टील या लोहे का बर्तन। पूरी प्लेट में आपके इंडक्शन कुकर की प्लेट में कोई हीटिंग एलिमेंट नहीं होता, केवल और केवल कॉइल्स लगी होती हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती है, क्योंकि हम उसे ऑल्टरनेटिंग सप्लाई सोर्स से जोड़ते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है, दैट्स ऑल। आपने जैसे ही अपना स्टील का डिब्बा या स्टील का कोई कंटेनर उसके ऊपर रखा, जो बॉटम है जैसे वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आएगी उसमें एडी करंट्स डेवलप होंगी, यानी कि उसका गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये फिनोमेना आप कायम इस्तेमाल कर लेते हैं इंडक्शन कुकिंग में। एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड इन कॉपर यूटेंसिल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, इट इज कॉल्ड। इसके अलावा कायम इस्तेमाल करते हो एनर्जी मीटर्स में, एनर्जी मीटर जो अपने घरों के बाहर लगे होते हैं, एनर्जी मीटर में भी आप देखेंगे द आर्मेचर कॉइल कैरीज अ मेटलिक एल्यूमिनियम डिस्क। फिर वही जो आर्मेचर कॉइल है एल्यूमिनियम फ्रेम के अलावा एक एल्यूमिनियम डिस्क भी लगा दें, विच रोटेट बिटवीन द पोल्स ऑफ ए पेयर ऑफ परमानेंट हॉर्स शू मैग्नेट्स। तो हमारा ध्यान जाएगा गैल्वेनोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन था ये था हॉर्स शू मैग्नेट, बीच में कॉइल, कॉइल के साथ एक एल्यूमिनियम फ्रेम। अब की बार में लगा चूंकि आप एनर्जी मीटर उसका पर्पजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में एक एल्यूमिनियम की डिस्क भी लगा दें और एक्स्ट्रा। फिर क्या होगा, जैसे आर्मेचर रोटेट करेगा द करंट इंड्यूसेस इन द डिस्क, उस डिस्क में भी आपकी इंड्यूस करंट डेवलप होंगी, एडी करंट्स डेवलप होंगी, वो उस डिस्क को रोकने की कोशिश करेंगी। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस ब्रेकिंग इफेक्ट डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कंज्यूम। जितनी ज़्यादा करंट आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं होता हुआ रुकेगा, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर का ये बेसिक प्रिंसिपल था। नेक्स्ट आएंगे इस बार इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एडी करंट्स आर यूज्ड टू रोटेट द शॉर्ट सर्किटेड मोटर्स, रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर, सीलिंग फैंस ऑल्सो हैव इंडक्शन मोटर्स। एडी करंट्स इन द रोटर इंटरैक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटेटेड प्रोड्यूसर्स, ये रोटेटिंग फोर्स डेवलप करती हैं। तमाम सारे में लग रहा है 8-10 इस्तेमाल आपके पास लिखे, जनरली इनमें से एक या दो एप्लीकेशन याद रखिएगा, और पर्पजली मैंने कहा इलेक्ट्रिक ट्रेन हुआ, डेड बीट, गैल्वेनोमीटर हुआ, ऐसों को याद रखना क्योंकि नाम से भी आ जाते हैं। देन इस चैप्टर में आपके पास एक टॉपिक था स्टैटिक ईएमआई, ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। स्टैटिक ईएमआई पर जाएंगे तो हमने कहा था जब किसी भी चीज़ का मोशन ना हो रहा हो तो उस केस में वो होगा स्टैटिक ईएमआई। जैसे आप ध्यान देखना तीन तरह के ईएमआई हमने पढ़े हैं, मोशनल, और मोशनल में भी स्ट्रेट लाइन मोशन वाला या फिर पीरियडिक मोशन यानी कि घूमने वाला। पीरियडिक ईएमआई से आपका पूरा का पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर बन गया था कि अगर कोई कॉइल रोटेट कर रही है तो फिर आपका उस पर जो एन बी ए कॉस थीटा फ्लक्स आएगा उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो फिर उसके आगे आपने साइन थीटा में ई बराबर ई नॉट साइन थीटा या साइन ओमेगा टी डेरिवेशन कैलकुलेट किया था। वो पीरियडिक ईएमआई क्यों कहा था, क्योंकि एक टाइम पीरियड के साथ आपकी कॉइल घूम रही थी। दूसरा मैंने कहा था जो सबसे पहले शुरुआत की थी, ये मैं एंड का बताया। शुरुआत में आप देखेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट भी मोशनल था, एक कॉइल और मैग्नेट आप पास ला रहे हैं या दूर ले आ रहे हैं। नाउ देयर इज वन वे विच इज कॉल्ड स्टैटिक ईएमआई।
स्टैटिक ईएमआई में आप जाएंगे, ये कौन सा वाला है, हल्का सा याद दिला देता हूँ, पॉइंट। कुछ भी चलाने और फहराने की जरूरत नहीं है, और इसी फिनोमेना थोड़ी देर बाद फिर लेंगे। आप इससे करंट फ्लो कर रहे हैं, इस करंट को आप बढ़ाइए या कम कीजिए। जैसे आप इस करंट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी या तो बढ़ेगा या कम होगा। रिजल्टेंट अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो फिर इसमें एक इंड्यूस्ड करंट आई डैश डेवलप हो जाएगी। और आप चेक कर सकते हैं पूरे फिनोमेना में कहीं भी किसी चीज़ का मोशन नहीं हो रहा है, द क्वाइल इज स्टेशनरी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक ईएमआई। अब एक दो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लेते हैं, कि इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे पहले, उसको हम डिस्कस कर लें, फिर इस स्टैटिक ईएमआई की डिटेल पर चलेंगे। पहली बात तो आती है इंडक्शन, हमने पढ़ लिया। फिर सवाल आता है इंडक्टेंस क्या है, तो इंडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज द इंडक्टेंस। यहाँ तक आते आते आपने कैपेसिटेंस पढ़ लिया, द प्रॉपर्टी टू होल्ड द चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेजिस्टेंस पढ़ लिया, प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट और टू प्रोड्यूस अपोज इन द फ्लो ऑफ करंट। और अब एक तीसरे नंबर पे हमें इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कौन सी प्रॉपर्टी होगी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स विच अपोज एनी चेंज इन द करंट इन द सर्किट, जो किसी भी सर्किट में होने वाले इस करंट से रिलेटेड चेंजेस को अपोज करती है, विरोध करती है। और इसके लिए आपको याद आएगा कल जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, मैंने कहा था करंट क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज है, बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए जाएंगे। दूसरी बात आप देखेंगे, इंडक्टेंस इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ रहा होगा, नेचुरली उनके अंदर है, वो अलग से आप कहीं से डेवलप नहीं कर सकते। हाँ, उसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। देन अगली चीज बताई जाएगी, इंडक्टेंस इज एनालॉगस टू इनर्शिया। कहीं ना कहीं आपका इंडक्टेंस एनालॉगस टू होता है इनर्शिया। एक नंबर में कभी कभार आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया कहलाता है आपके लिए इंडक्टेंस। अब एक सवाल है, इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्यों कहा जाता है, ये याद आना चाहिए। इनर्शिया क्या होता था, इनर्शिया क्या चीज़ थी, ये याद है। इनर्शिया में आप 11th में कभी पढ़ा करते थे, द बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, द मूविंग बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स मोशन इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी। और आपसे बताया जाता था द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडीज बाई वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट। किसी भी बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपने मोशन या रेस्ट में होने वाले चेंज को अपोज करती है, वो आपके लिए किस नाम से हमें आती थी, इनर्शिया। फिर था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, था रेस्ट में बनाए रखता है, मोशन नहीं होने देगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन बनाए रखेगा तो उसमें चेंज नहीं होने देगा। इतनी चीज़ें याद आ जाती हैं, इसीलिए ध्यान से देखो। अगर आप इंडक्टेंस देखें, इंडक्टेंस भी यही करता है, आपकी करंट अगर आप बढ़ाएंगे तो अपोज करेगा, बढ़ाने नहीं देगा। आप कम करेंगे तो भी अपोज करेगा, कम नहीं करने देगा। यानी इनर्शिया जो आपका काम करता था इन केस ऑफ मोशन विद द मूविंग बॉडीज, रेस्ट में है तो चलने नहीं देगा, मतलब जैसा है वैसा रखेगा, ना चलने देगा और ना उनको वापस रुकने देगा। वो क्या चाहेगा, द वेलोसिटी मस्ट बी यूनिफॉर्म, जो भी है वो बनी रहे। और यहाँ देखे ध्यान से, आपका इंडक्टेंस भी यही काम कर रहा है, ना करंट को बढ़ने देगा ना कम होने देगा। ये क्या कोशिश करेगा, करंट शुड रिमेन सेम कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म। दैट्स व्हाई आप कहते हैं इंडक्टेंस किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। बाकी अब आप आराम से इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, इंडक्टेंस इज एनालॉगस टू इनर्शिया इन मैकेनिक्स। क्यों, बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया अ बॉडी एट रेस्ट अपोजेज एनी अटेम्प्ट, उस हर प्रयास का विरोध करेगी विच ट्राइज टू ब्रिंग इट इन मोशन। और ऐसे ही अ बॉडी इन अ मोशन अपोजेज एनी अटेम्प्ट, चलती हुई बॉडी हर उस अटेम्प्ट को अपोज करती है विच ट्राइज टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, जो इसे रेस्ट में लाने का प्रयास करे। सिमिलरली आप देखेंगे इंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अपोजेज एनी चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट, इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। अब किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है इसमें, तो मुझे पूछ सकते हैं।
बोले कोई शंका हो तो पूछ ले फुर्ती से। नहीं चले, बाकी ये टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वैसे ही रिपीट कर देता हूँ। सेल्फ इंडक्शन, कल भी इसके क्वेश्चन कर रहे थे, अभी 2 घंटे पहले मैंने लिया ही था। सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, जब मैं कहता क्वाइल है, इसकी करंट अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इस क्वाइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम या ज़्यादा होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कम या ज़्यादा हुआ, जैसे ही आपने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब तुरंत क्या आएगा, इसका मतलब आएगा इसी क्वाइल में एक आई डैश डेवलप हो जाएगी। दूसरा एक चीज़ सवाल पूछते हैं, जो कल वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं, इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा। तो सिंपल सिंपल भाषा में बात करते हैं, अगर मेन करंट बढ़ाओगे तो उल्टा फ्लो होके उसे कम करने की कोशिश करेगा, और अगर आप मेन करंट कम करेंगे तो अलोंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट जाके उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए भी इनर्शिया भी मैंने उसको बोल दिया। चलिए आए सेल्फ इंडक्टेंस, तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ये क्या कह रहा है, व्हेन अ करंट इज फ्लोन थ्रू अ कॉइल और सर्किट देन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स अप विद दैट कॉइल। जैसे आप करंट फ्लो करते हैं कॉइल से, एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकअप हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, फिर क्या कहेंगे, इफ द करंट थ्रू द सर्किट इज चेंज, अगर आप इस सर्किट से जाने वाली करंट को चेंज कर रहे हैं, देन क्या होगा, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट चेंजेस ऑल्सो, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो भी चेंज होता है। इतने से फिगर में मैंने सारी चीज़ें दिखा दी थी, और एन ईएमएफ एंड करंट आर इंड्यूस्ड इन द सेम सर्किट, उसी सर्किट में आपके एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। लास्ट जो मैं बात कर रहा था, कहाँ डायरेक्शन जाएगा, ये बढ़ रही होगी तो उल्टा जाके कम करेगा, कम कर रही होगी तो सीधा जाके उसको बढ़ाएगा, दैट्स ऑल। तो यार डायरेक्शन जो सिंपल हिंदी में बता दिया उसको आप इंग्लिश में पढ़ लें और कोई अंतर नहीं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑब्टेन्ड बाई लेंज लॉ, किस लॉ से आप निकालते हैं, लेंज लॉ से। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द मेन करंट, अगर मेन करंट हमारी कैसी होती हुई जा रही है, इंक्रीज होती हुई जा रही है, देन द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इट, तो फिर आपकी इंड्यूस करंट कहाँ जाएगी, इसके अपोजिट, इसके उल्टा, यानी जितना बढ़ रही थी उतना ही कम करने का प्रयास करेगी। और उल्टा अगर आप कहते हैं सिमिलरली ऑन डिक्रीजिंग द मेन करंट, अगर आप ये कहते हैं कि मेन करंट डिक्रीज हो रही है, तो फिर आपका इंड्यूस करंट क्या होगा, फ्लोज अलोंग द डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जाएगा और उसको वापस बढ़ाने की कोशिश कर देगा। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इसी बात पे बेस्ड था कि अगर आप किसी कॉइल से, और ये कोई डेरिवेशन नहीं है, तो वैसे हमने कहा सिंपल सी चीज़ है, किसी भी कॉइल से आप करंट फ्लो करेंगे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, ऑब्वियस है जितनी करंट फ्लो करोगे। सिमिलरली आपने बायो सेवर्ट्स लॉ भी पढ़ा हुआ था, इसलिए इसको डायरेक्ट एक बार में डिस्कस कर देते हैं बिना लिखे, क्या आपसे कह देगा फाइव प्रपोर्शनेट आई होगा या फाइव इज इक्वल्स टू हो जाएंगे एल आई। फाइव प्रपोर्शनेट आई समझ में आ रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल रिमेन्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बस यही जो आपके पास एल आया है यही एल हमारी क्या चीज होगी, यही है कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर आप इसे कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। कितना हो जाएगा एल, चेक कर लो फाइव अपॉन वाई। तीन चीजें ध्यान देखना, हमेशा की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइव मौजूद है आप निकाल सकते हैं, नीचे यूनिट वेबर पर एम्पियर, इसको आप क्या कहते हो जाते हैं, वेबर पर एम्पियर इज नोन एज दी हेनरी। देन आप निकाल सकते हैं इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन आप निकालिएगा आराम से, या आपको ऊपर छोड़ देते हैं। एक डेफिनेशन और दिखा देते हैं, अगर आप आई इज इक्वल टू वन एम्पियर कर दें तो आपका ध्यान जाएगा एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा फाइव, एंड इतनी सारी फिजिक्स दो दो तीन तीन बार हम कम से कम इस साल पढ़ चुके हैं, इसी साल में मिले लें, तो आप डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं इज ए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकल इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इज न्यूमेरिकल इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स या दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विच लिंक्स इन द सर्किट विद द सर्किट, कब,
ऑन फ्लोइंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। नीचे आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई दिक्कत इस टॉपिक में किसी आदमी को होनी चाहिए। नेक्स्ट आप एक पढ़ेंगे जो मैं कह रहा था, पिछला चैप्टर मजबूत रखिएगा क्योंकि हमने ये तो निकाल लिया भैया फाई इज इक्वल टू कितना होगा एल आई, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से प्रश्न कहीं भी घूम सकता है, फाई इज इक्वल टू एल आई आप लिए हुए, कोई आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि इस चैप्टर में आपको मालूम है फैराडेज लॉ ई इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स हमारे पास है तो आप इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई यानी कि माइनस एल डी आई बाई डी टी। इस पर आपने कल एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। करंट पूछ ले कोई, मैंने कहा था वोल्टेज आ गया है, कोई करंट पूछ लेगा तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। किसी ने इसके पीछे चार्ज पूछ लिया तो इस चैप्टर के फॉर्मूले नहीं है और ना हर जगह आपने याद कर पाएंगे। डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई डी टी, कहाँ से क्योंकि आपको मालूम है आई इज इक्वल टू कितना होता है, इसलिए मैंने कहा भैया बेसिक याद रखिएगा ये सब जगह लग जाते हैं। चार्ज पूछ लेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो क्यू इज इक्वल टू एन ही रख देंगे, आई डी टी या आई आपके पास मौजूद है डी टी से आप इंटू कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, देन इस बात दो एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे, या एग्जाम्पल वन मार्क्स क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या पूछता हो जाएगा, स्पार्क इज प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स व्हेन लाइट इज स्विच्ड ऑफ, जैसे आप किसी भी स्विच को ऑफ करते हैं झटके से, क्या आपने ध्यान दिया हल्का सा स्पार्किंग कई बार डेवलप होती है, स्पार्किंग डेवलप होने का कारण क्या है? ये आपसे कल ही बता रहे, जब भी आप किसी भी की को ओपन या क्लोज करते हैं, यानी मैंने आपसे कहा था आप किसी भी सर्किट को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं उस समय या तो करंट सडनली बढ़ती है या करंट सडनली कम होती है। फॉर एग्जांपल किसी सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो होती है, आप उसको स्विच ऑफ करते हैं, क्या ऐसा ध्यान जाता है जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे करंट इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी। किसी भी स्विच में ऐसा प्रोविज़न नहीं होता कि करंट 5 एम्पियर फिर 4 एम्पियर फिर 3 फिर 2 फिर 1 और 10 मिनट बाद पूरी कंप्लीट। आप पूछेंगे इसका क्या असर पड़ेगा, इसका असर ये पड़ेगा अभी हम पढ़ रहे थे E बराबर यानी किसी भी सर्किट में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ चेंज ऑफ करंट पर डिपेंड करता है और साथ साथ टाइम पर भी डिपेंड करता है। जब आप सर्किट को स्विच ऑफ करते हैं आपकी करंट का चेंज है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर से 0 एम्पियर पर आप आए हैं, यानी आपका डी आई कन्फर्म है कितना हुआ है, चेंज आपका आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। जो मैं कह रहा था कि आपने ध्यान दिया स्विच जैसे ही ऑफ करते हैं इंस्टेंटली द करंट इज स्टॉप, करंट स्टॉप होने में ऐसा टाइम नहीं लगता कोई भी स्विच, मैंने कहा धीरे धीरे करंट बंद नहीं करता 5 4 3 2 1 करके बंद करे, इसलिए क्या आपका ध्यान जाता है जो आपका टाइम इंटरवल है डी टी टेंस टू हो जाता है 0, और अगर डी टी टेंस टू 0 है इसका मतलब आप कह रहे हैं आपका इंड्यूस ईएमएफ टेंस टू हो जाएगा इन्फिनिटी। तो खैर इनफाइनाइट तो नहीं होता है, तो हम लोग भी समझदार है मैथमेटिक्स का फिजिक्स में मीनिंग निकाल लेंगे, इसका मतलब है इस समय सर्किट में बहुत हैवी ईएमएफ या बहुत हैवी करंट सडनली पार्ट ऑफ द सेकंड के लिए जनरेट होगी, और ये जो अचानक से एक हैवी वोल्टेज या हैवी करंट पार्ट ऑफ ए सेकंड के लिए इंड्यूस होती है इसकी वजह से उस सर्किट में इलेक्ट्रिक स्पार्क्स आते हैं। आए अगर इतना समझ में आया तो अब इस पैराग्राफ को हम पढ़ देते हैं, क्या कह रहा है, व्हेन सर्किट इज स्विच्ड ऑफ देन करंट बिगिंस टू डिक्रीज रैपिडली, जैसे आप सर्किट बंद करेंगे करंट क्या होगी रैपिडली डिक्रीज होगी, एकदम झटके से डिक्रीज होगी। डज ए लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अ सेटअप, और चूंकि आपका डी टी टेंड्स टू 0 है तो ईएमएफ कैसा हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज। डज ए लार्ज ईएमएफ इज अ सेटअप अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट विच इट ट्राइज टू मेंटेन द करंट, वो आपको मालूम था इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट बनाए रखने की कोशिश करेगा। दिस ईएमएफ इज अ सफिशियंट टू ब्रेक डाउन द इंसुलेशन ऑफ द एयर, जो स्विच कॉन्टैक्ट बीच एयर का इंसुलेशन था वो इतना हैवी वोल्टेज होगा कि वो आपका इंसुलेशन ब्रेक होगा और इसका परिणाम क्या आएगा, दस द स्विच सॉरी दस द स्पार्क इज
प्रोड्यूस्ड। अब कोई इस बारे में क्रॉस क्वेरी हो तो बोले, बोले फुर्ती से कोई क्वेरी हो उल्टा तो पूछे। नहीं बेचारे सब सो गए कि हैं? नेक्स्ट मिल जाएगा, ऐसे आता है नॉन इंडक्टिव क्वाइल्स। नॉन इंडक्टिव क्वाइल्स कहाँ काम में आती हैं? तो आपको याद होगा मीटर ब्रिज में, गैल्वनो हो उसमें, व्हीट स्टोन ब्रिज में, और आपके पोटेंशियोमीटर में। कई जगह हमने रेजिस्टेंस बॉक्स का उल्लेख किया था। और रेजिस्टेंस बॉक्स कौन होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स आपने कहा था ऐसा एक बॉक्स होता है जिसमें तमाम सारे रेजिस्टेंस की आपकी कीज लगी होती हैं, आपको ये की पुल करते हैं। रेजिस्टेंस काय से बना होगा? नॉर्मल तो हमारा ध्यान जाता है मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन के वायर्स या क्वाइल्स से बना होता है। अब यहाँ पर एक खास बात आती है, जो आप रेजिस्टेंस या बॉक्स की क्वाइल बनाते हैं, जो भी क्वाइल्स बनती हैं, ये जब बनाते हो तो इन्हें डबल्ड बैक रखा जाता है। डबल्ड बैक का मतलब है जो घर में आपने बिजली के तार देखे होंगे, अगर आपने घर में बिजली के तारों को ध्यान दिया हो तो आपका ध्यान जाएगा तार आपस में ऐसे ऐसे होते हैं। मैं दिखा देता हूँ, एक कलर चलो देता हूँ। देखा तारों में ऐसा बैठा हुआ कि नहीं? देखा आपस में जो डोरी के तार होंगे वो कैसे होते हैं, एक दूसरे पे लपेट दिए जाते हैं ताकि फैले पसरे नहीं। और अगर ऐसा कर रहे हो तो मैंने कहा जो आपके रेजिस्टेंस बॉक्स की क्वाइल है ये भी सेम कंडीशन में आपकी बैक वापस कहीं ना कहीं, यानी कभी भी रेजिस्टेंस बॉक्स की क्वाइल एक सिंगल वायर की नहीं बनाओगे, उस वायर को वहां तक ले जाके वापस भी लाओगे। और वापस को लाते हैं बहुत ईजिली समझ में आएगा, दोनों में आपका डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा हो जाएगा। अगर लाल वाले में आप देखें करंट इस तरफ जा रही है तो पीले वाले से आपकी करंट जो है वो लौट के वापस आ रही होगी। और दोनों में अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है तो ये भी समझ में आएगा दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट उल्टा आएगा, दोनों का इंडक्शन उल्टा हो जाएगा। और आए देखें ध्यान से क्या कह रहा है, ये आपसे बताता है ईच क्वाइल ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स इज डबल्ड बैक ऑन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही डबल बैक कर दी जाती है। क्यों? वाइल क्वाइल अप इट डिक्रीजेस द सेल्फ इंडक्टेंस, क्यों? ये कहीं ना कहीं क्वाइल का सेल्फ इंडक्टेंस कम कर देता है। कैसे? द करंट इन एवरी पार्ट ऑफ द क्वाइल इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द अपोजिट पार्ट ऑफ द क्वाइल। हर पार्ट जैसे पीला लाल ये वाला पार्ट देख लें, हर पार्ट की करंट जो है जस्ट अपोजिट पार्ट के उल्टा होगी। और इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो आपसे क्या कहेगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वन पार्ट इज कैंसिल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दी एक पीले वाली मैग्नेटिक फील्ड और मैंने कहा लाल वाली मैग्नेटिक फील्ड। कलर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ ताकि जल्दी दिखें और जल्दी समझ में आए, दोनों मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। इसलिए इस पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन सारी चीज़ें आपस में जीरो हो जाएंगी, दीज विल गेट कैंसिल्ड आउट। तो इस तरह के आपको इफेक्ट्स यहाँ पर उनसे आप बच जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा इन दोनों एग्जाम्पल्स को। देन इसके बाद आप एक सिंपल चीज जाते हैं और ये जाते हैं आप ग्रुपिंग ऑफ क्वाइल्स, ग्रुपिंग ऑफ क्वाइल्स इन सीरीज। चलो ये डेरिवेशन में हल्का सा बता देता हूँ, अगर कॉपियाँ हो तो एक सेकंड में निकाल लें, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको फ्यूचर इंडक्टेंस वाला ही बता देंगे। कॉपियाँ देखें छोटी से, कॉपी और पेन ले लें। ले लिया, बाकी आपके पास लिखा हुआ है पूरा, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ इसलिए लिया है कि हाथ चलाते रहोगे तो क्या है मैथोडिक्स जल्दी समझ में आती है और सॉल्व भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ऑलरेडी सब लिखे बैठे हैं आप, नोट्स आपके पास मौजूद है, हैंड रिटन। अगर आप जाएंगे तो ये ध्यान देंगे ये है कॉइल्स इन सीरीज़। कॉइल्स इन सीरीज़ का मतलब ये नंबर ऑफ कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी दिख रही होंगी L1, L2, L3। एक मजेदार बात, फिर पुरानी बात याद आ जाए जहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे वो याद हो, इन सीरीज आपका करंट कैसा होगा कॉन्स्टेंट, लेकिन ध्यान रखना EMF कैसा होना चाहिए, आपका EMF होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट। और इसमें अगर सब रफ फेयर में आपकी लिखा रखा है, जस्ट केवल पॉइंट्स पॉइंट देखते जा रहे हैं। अगर EMF डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो टोटल EMF आएगा, या हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, या आना चाहिए E1+E2+E3 एंड सो ऑन। और एक इंटरेस्टिंग बात है आपको ऑल में, बट इज इक्वल टू कितना होता है -LdIdt। हम फैराडेज लॉ और सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लिया है, आराम से आप वैल्यू रख दें। जैसे आप रखेंगे E की जगह हम रख देते हैं -LdIdt। चलो एक बार पहले वैसे रखता रहता हूँ, फिर जाता हूँ, हर E की जगह हम रखते जाएंगे LdIdt। अब अगली बारी आएगी इनकी नंबरिंग की, जब आप जाएंगे ये पूरे सर्किट का है, यानी आप कह देंगे सीरीज का हो गया, ये पहली कॉइल का है, ये दूसरी कॉइल का है, ये तीसरी कॉइल का है, तो L1, L2, L3 हो गए। क्या I1, I2, I3 लिए जाएंगे? सुधा सिंपल आंसर, नहीं लिए जाएंगे। कारण मैंने कहा था सीरीज में आपका करंट कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही देख लें DiDt कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ गया है। सीरीज का इंडक्टेंस आपको कितना मिलता हुआ जाएगा, सीरीज का इंडक्टेंस हमारे लिए हो जाएगा L1+L2+L3 एंड चाहेंगे तो करेंट सो ऑन, वो भी आप कर सकते हैं। चले अगर कोई कर रहा है तो एक मिनट में सॉल्व करना, मैं एक मिनट दे देता हूँ बस, और कुछ खास नहीं। मिल गया जमीन सर्व्यू कंप्लीटेड, तो यही आप चेक करेंगे, यही आपने जो है पीछे हम देखें, यही आपने निकाला हुआ है। सीरीज के लिए कुछ नहीं किया है, LdIdt रखते हुए DiDt कैंसिल, L1+L2+L3 आपके निकल आएंगे। जैसे आप सीरीज का कर लेते हैं तो चलो यहीं कहीं आपको एक पैरल का भी बता देता हूँ। देख नेक्स्ट ले आएगा और अगला आप जाएगा क्वाइल्स इन पैरल, ये भी दिखा देते हैं और इसको भी हम शॉर्ट में करते हुए जाएंगे। क्वाइल्स इन पैरेलल का मीनिंग क्या होगा, अब की बार आप भी दो या दो से ज़्यादा क्वाइल्स आप अटैच कर रहे होंगे पैरेलल कनेक्शन में, और ये अपने कई बार आते रहने वाले उनमें से शामिल है। मैंने फिर मान लिया तीन क्वाइल्स हो गई हमारी L1, L2, L3। सबसे खास बात आप देखेंगे जब आप पैरेलल में लगाएंगे तो इनकी करेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि I1, I2 और तीसरे का हो जाएगा और I3। कर दें एक बार करंट डिस्ट्रीब्यूट और मजे से चले जाएं L1, L2, L3 में। बनाए एक सेकंड के अंदर एक छोटा सा फिगर और सीधा मैं कैलकुलेट कर देता हूँ बगल में दो लाइन में। कर दिया इतना फिगर, जैसे आप कर देते हैं इसको ध्यान से देखें, जैसे हमने बना दिया फिर बता देता हूँ इस पैरेलल में आपका क्या होगा। पैरेलल में आपका E कांस्टेंट होगा
आपकी करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। और जैसे ही मैं समझ में आता है करंट कांस्टेंट सॉरी वोल्टेज कांस्टेंट होगा और करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो पर हमें एक लास्ट चीज़ पर चले आएंगे। लास्ट चीज़ क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यानी इसलिए आपका क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री एंड सो ऑन। आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री एंड सो ऑन कर रहे हो तो फिर वही बात, क्या हमें याद है ई इज इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसका मतलब अगर आप चाहें तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकाली जा सकती है। डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आता है माइनस ई बाई एल। ये वैल्यू हम हल्का सा साइड में, चूँकि अब साइड में जाना नहीं चाह रहा तो इसलिए कहीं अलग दिखाई जाती है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री आ चुका है, अपना रिलेशन कायम है डी आई और डी टी में। इसलिए हम यहाँ से एक छोटी चीज़ और करते हैं और यहाँ से हम करते हैं, ये याद रखिएगा, इसमें केवल आप इसे करेंगे डिफरेंशिएट। और अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो लाइन आपकी थी ये ध्यान देखें बिल्कुल सही जगह पहुंचने वाली है। डिफरेंशिएट करते साथ ही ये क्या होगा, ये आपको मिलेगा डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी आई वन अपॉन डी टी प्लस आपका डी आई टू अपॉन डी टी प्लस आपको मिलेगा डी आई थ्री अपॉन डी टी एंड सो ऑन। और बस लास्ट काम जो मैंने कहा था ये मैं पहली मालूम है, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी है, डी आई बाई डी टी की वैल्यू रखते हैं। ये आपका एक पूरा का पूरा सर्किट यानी पैरेलल डी आई वन अपॉन डी टी मतलब ई अपॉन एल वन प्लस आपका, चलो कहोगे प्लस तो कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, मैं माइनस कर सकता हूँ, है ना। एंड सो ऑन, अपने आप नजर आ जाएगा सारे ई आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपको सीधा क्या आंसर मिल जाएगा, वही रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस की जगह तरह एक बार सीधा एडिशन होता है और एक बार आपका एडिशन कैसा होता है रेसिप्रोकल्स का, इसको भी आप एक बार दो मिनट का टाइम देके मजे से सॉल्व कर दें रफ पेपर अगर आप लिए तो, और ख़त्म। इसके अलावा आपको उसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा जब आपके गैप हो तब देखिएगा। कर दिया सभी ने, बताया हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब इसी टॉपिक में मैं एक चीज और बता देता हूँ जो आप करते आ रहे हैं। तो आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया, स्टैटिक ईएमआई सेल्फ वाला खत्म कर देते हैं पूरा। इससे अगले टॉपिक आपका म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफार्मर वगैरह ये पूरे हो जाएंगे, तो लगभग लगभग हम चैप्टर के एंड तक पहुँचने लगेंगे। जो आपका खास बात थी मैंने कहा कि ये देख लिया सेल्फ इंडक्शन क्या है, और इसके लिए आपने सेल्फ इंडक्टेंस का खुद का डेरिवेशन प्लस मैंने कहा पैरेलल और सीरीज में दोनों कॉइल कर दी। अब मैं मान चलता हूँ कॉइल ज़्यादातर सीरीज पैरेलल सबकी हो गई, जब सीरीज पैरेलल दोनों कॉइल हो जाएंगी इसके बाद एक लास्ट चीज और आपको बता देते हैं। और हाँ, इसमें एक आदमी कंडीशन आपको मालूम ही है वो टेंथ से चली आ रही है, अगर केवल दो कॉइल्स होंगी तो वन बाई एल टू इज इक्वल्स टू आपका रहेगा वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू, ऊपर हो जाएंगे आपके एल वन एल टू, नीचे आ जाएंगे एल वन प्लस एल टू। तो वो मेरा मानना है वो आप रजिस्टर से सेल्फ कवर कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी। अब हम जाते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर इसके, जहाँ आपसे सेल्फ इंडक्टेंस एक दो चीज़ों की निकलवाएगा, तो जिन जिन की निकलवाएगा मैं उस पर चला जाता हूँ। तो एक सिंपल एड डाल देंगे सेल्फ इंडक्टेंस, और इस पार्ट को रिपीट जरूर कर दूँ क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक होगा। नंबर ए आता हूँ यहाँ देखना, सर्कुलर कॉइल,
सर्कुलर कॉइल का अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो पिछली बार भी जैसे बताया था ठीक उन्हीं वर्ड्स में बता देता हूँ। सर्कुलर कॉइल का अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो आपको लगेगा L इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, यही सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है आपका, फाई इज इक्वल्स टू एल आई या एल इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। इसका मतलब आपको पहले चाहिए पड़ेगा फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, और इसका मतलब ये है कि उसके पहले आपको चाहिए पड़ेगा, और यही हमारा डेरिवेशन का क्रम रहेगा, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, 5-6 डेरिवेशन एक ही सीक्वेंस में जाएंगे, याद रखने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर ये 3 स्टेप याद रखोगे, बी लिखना है, फाई इज इक्वल्स टू बी ए लिखना है, और एल बराबर, या आगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बताऊंगा उसमें एम बराबर फाई अपॉन आई करना है, तो बहुत आसानी से याद रहेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्कुलर कॉइल की। सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड अब आपको याद होना चाहिए, मान के चलेंगे तो आप क्या बताते हैं, आप बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, चलो उधर जगह नहीं है पहले जारी करते आते हैं। सबसे पहला स्टेप बी इज इक्वल्स टू आपका आता है म्यू नॉट अपॉन 4π 2π एल आई अपॉन आर, याद देखें पहला स्टेप मैंने नीचे वाला कवर कर दिया स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 जाऊंगा फाई, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पे जाओगे तो फाई इज इक्वल्स हो जाएगा बी इंटू ए, बी ए रहा और एरिया, एरिया आपको बहुत अच्छे से मालूम है, एक लूप का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, अपने पास कितने लूप हैं, एन लूप्स हैं, तो उनका इफेक्टिव एरिया हो जाएगा, सिर्फ 2 लाइन और चलनी है, इतनी 2 लाइनें सॉल्व कर रहे हैं, खत्म बात, एक बार प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करते हैं फुर्ती से, एक बार भी समझ में आ गया तो 6 डेरिएशन एक साथ ही हो जाएंगे, उनमें से 2-3 करा देंगे, 2-3 वैसे निकाल देंगे। दिखा दें किसी भी सर्कुलर कॉइल के लिए, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड दिखा दें सेंटर पे, और बगल में सही चीज़ कहूँ तो इसको लिखने के बजाय इसको इसको ज़रूर लिख देना, क्योंकि ये क्लियर रहेगा तो आपको हमेशा सारे डेरिएशन हो जाएंगे 5 के 5। कर दिया यहाँ तक, बस मनोरंजन के लिए चाहे तो एक काम करें, इसको अगर सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करोगे तो 2π से 4π कैंसिल होंगे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करेंगे, और एक आर कैंसिल कर लेंगे, बाकी जो बच रहा है मैं आपका लिखता जाता हूँ, यहाँ आपका आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर के अलावा होंगे आपके पाई आई और साथ में आर और अपॉन में रहेगा 2। चलो अभी 2 पूरा लिख लेता हूँ, और लास्ट स्टेप जो करता है तीसरा फाई इज इक्वल टू बी ए आप निकाल चुके हैं, आखिरी स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट, और वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होगा, जहाँ आप लिखेंगे हेंस सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस आपको मिलेगी जो करता इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये स्टेप याद रखने, इनको ज़रूर लिख देना एल इज इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, और जैसे मैंने लिखा फाई अपॉन आई, वैसे आप देखेंगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आई हटा दो ख़त्म, बचा हुआ आपको पूरा मिल जाएगा, और कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाता है म्यू नॉट एन स्क्वायर साथ में पाई और आर, और चाहे तो आप हाफ लिख दें और चाहे तो अपॉन 2 लिख दें, या आपकी इच्छा है, कैसे भी दोनों तरीकों से आप उसको
लिख सकते हैं, ये हमारी सेल्फ इंडक्टेंस कवर अप हो जाती है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और आएगा छोटा सा, जो कहीं भी पूछा जाता है, वो भी मैंने कहा था 6-7 जगह उसको पूछा जाता है, 1-2 जगह हम उसको बार बार डिस्कस करेंगे, बस सातों जगह लिखवाना या डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो पार्ट भी आपको बता देता हूँ किस पार्ट में चर्चा कर रहा हूँ। पहले आराम से आप इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालें, उसमें कुछ निकालना ही नहीं है, आई हटा के पूरा का पूरा एज इट इज़ वापस हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो बता देते हैं, इफ आप मैग्नेटिक मटेरियल और एग्जांपल ले लेते हैं सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड एज कोर, और ध्यान रखना कोर ऑफ कॉइल की बात कर रहा हूं, कोर ऑफ सोलिनॉइड हो जाएगा, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर हो जाएगा, कोर ऑफ जनरेटर हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, दुनिया भर की कोई सी भी कोर ले आपको नजर आएगा सॉफ्ट आयरन रखा जाएगा। क्यों? इसका रिजल्ट ये आएगा कि जो आपका एल डैश आएगा वो आता है हाफ म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई आर, यानी आप कह रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस कितने टाइम्स ग्रेटर हो जाता है, म्यू आर टाइम्स ग्रेटर हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये हर बार बनेगा कि वेन एवर यू आर प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर और ए कोर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल देन द सेल्फ इंडक्टेंस और बाकी सारी जगह जो भी प्रॉपर्टी है दीज इंक्रीज बाई म्यू आर टाइम्स, जहाँ म्यू आर क्या है तो म्यू आर भी बता दिया जाता है, म्यू आर आपकी होती है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और ये बताते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी सॉफ्ट आयरन की वन ऑफ द हाईएस्ट मैग्नेटिक परमिएबिलिटीज है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं हमेशा सॉफ्ट आयरन। ये पूछा जाए सॉफ्ट आयरन ही क्यों प्रेफर कर रहे हो, तो उसका रीजन भी है बिकॉज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर द सॉफ्ट आयरन इज द मैक्सिमम हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट में मानी जाती है, इसलिए इसको प्लेस करने का सबसे ज़्यादा फायदा है। जो स्टेप्स हमने यहाँ लिए थे वो स्टेप मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, मुझे लग रहा है आपने कंप्लीट कर दिया होगा, किसी का रह गया हो तो टोक देना। अब ध्यान से यहाँ देखें, या आपने जो एल फाई अपॉन आई लिया था यही कहानी है, आप चाहें तो किसी सोलेनॉइड के लिए पढ़ सकते हैं। और अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे हैं सोलेनॉइड का तो देखें ध्यान से, रफली निकालता हूँ, कहीं कोई लैंग्वेज वैंग्वेज लिखने की मैं फिलहाल आवश्यकता नहीं समझ रहा। सबसे पहला स्टेप आपका यही आएगा, पहला स्टेप आप बताएंगे B इज इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट एन आई, और एन आई आपको मालूम है एन आई होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल मिला के आप कह सकते हैं ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, यहाँ एल हो गए आपके टोटल लेंथ। अब अगला स्टेप हमारा था फ्लक्स, और सेकेंड स्टेप आप उठाएंगे फ्लक्स कितना होना चाहिए, फ्लक्स होगा बी इंटू ए, बी इंटू ए का मतलब बी है हमारे लिए म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू एरिया, एरिया आप देखेंगे सोलेनॉइड का एक टर्न होगा पाई आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट एरिया लिखा रहना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, मान के चलो मैं सिर्फ एरिया लिखे रहने देता हूँ तो भी ध्यान देखना कितना हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब पाई आर स्क्वायर रख देना, कोई दिक्कत नहीं। एन ए का मतलब समझ आ रहा होगा ये जो एरिया है ये मुझे कितनी बार लेना पड़ेगा, एन टाइम्स क्योंकि एक लूप का एरिया ए रहेगा, कोई दिक्कत हो तो पूछे। और लास्ट काउंट, लास्ट काउंट तुम क्या बताओगे, एन इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई, आई हटा दो डायरेक्ट निकल आएगा, कितना निकल आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और अपॉन, बस और दो बचे एल खत्म हो गया, ज्यादा हो ऐसा लगे बोले एन स्क्वायर एल एक आ रहा है, एक और ऑप्शनल तरीका होगा, दोनों तरीके दिखाए थे उसको नंबर ए मान लगे, नंबर ए मान लो और बता सकते हैं, इसने कहा तीन तीन लाइन से ऊपर के डेरिएशन ही नहीं हो तो लैंग्वेज लिख लिखा के उसको 5-6 लाइन में कन्वर्ट कर लेते हो। कैपिटल एन की वैल्यू कितनी थी दिख रहा है, कहाँ लिखी थी हमने, ऊपर कहीं लिखी थी, नचा नहीं लिखी,
चलो यहाँ दिखा देते हैं, ये तो याद था ना, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है एन बराबर कितना होगा एन एल, तो कई बार ऐसा भी अपन कर लेते हैं, अपॉन का नहीं लेना हो तो आप क्या करते हैं और एन बड़ा एक मिनट इस एल को कुछ और करना छोटा एल करना है आपने, तो ये जो है तुम्हारे सेल्फ इंडक्टेंस घुस जाएगा यहाँ पे इस एल को, हाँ स्मॉल एल कर लीजिएगा नहीं तो दोनों रोटेशन एक जैसे हो जाएंगे, और कहीं तो नहीं था ये था। अब जो मैंने कहा था अपॉन का नहीं करना हो एन की जगह आप क्या रख सकते हैं एन एल, जो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन की जगह मैंने रखा डॉट ए अपॉन एन, तो कई बार आप ऐसा भी लिखा देखेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एन या म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, दैट्स ऑल दोनों ध्यान देखो एक ही है कोई अंतर नहीं है, एक कैपिटल एन की वैल्यू रख दोगे तो ये आ जाएगा या स्मॉल एन की वैल्यू रख दोगे एन बाई एन तो वापस ये आ जाएगा, तो एन की वैल्यू इधर से उधर करते रह सकते हैं। हाँ बस ये ध्यान रखना जब ए एन लोगे तो छोटा एन है नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ टर्म्स, और अपॉन में एल आ रहा है तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए और कुछ खास नहीं, तो ये दोनों आपके आते हैं सोलेनोइड या सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए, ध्यान खत्म कर दिए। अब अगले टर्न पे जाओ हम लोग मिलेंगे और परहैप्स इट विल बी वेडनेसडे, क्योंकि अब आपकी दो या तीन दिन का अवकाश रहेगा, ठीक है ना, उस टर्न पे फिर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस ट्रांसफार्मर और तमाम सारे कुछ इनके सवाल ये पूरा पार्ट ख़त्म करेंगे, तो लगभग ईएमआई आपका एंड अप पे आ जाएगा। अनुरोध ये है कि अगली क्लास भी लेके घर में बिठा इस पार्ट को कवर कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपको जो है इसके बाद आपकी क्लासेस ऑफ की जाएंगी, है ना, तो इसका मतलब ये तय है कि अब ईएमआई उससे रिलेटेड डाउट्स की संभावना ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। पढ़ लें एक बार इतना ऐसा मजे से, जो डाउट हो एक बार पूछ लेंगे अगले टर्न पे, बाकी मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने कहा था ट्रांसफार्मर ख़त्म करूँगा, उसको आप एडवांस में पढ़ के चाहे तो वो कर लें, भैया ये पढ़ना है तो इसको हम पहले से पढ़ लें ताकि कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे, ठीक। चलें यहीं विराम ले लेता हूँ।